अकाली दल च परिवारवाद वंशवाद डिक्टेटरशिप दो तीन जाने तीन चार जाने फैसला करते हैं बाकी दे सब उन्हें रबड़ दिए पपट है एवं जो मर्जी कही जाने सिर्फ अपनी टिकटां नूं हुंदे आ पंजाब सूबे का बेड़ा कर करके रखता इन्हां जे पंजाब च नरेगा चली है वह सेंटर की स्कीम है जे पेंडू खेत्र जी वेखीए पंजाब जे कोरीडोर खोलिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने खोलिया गुरु नानक पातशाह का साडा जे बाल दिवस मनाया गुरु तेग बहादुर का दिहाड़ा मनाया ये रोपवे हेमकुंड साहब साड़िया मावं भैं बजुर्ग ही बनता पाया वह भी नरेंद्र भाई मोदी की देन है जे साडे सड़क के मार्ग विछरे ने वह भी बीजेपी की सरकार की कृपा है तो दसो यदि कितों कि सारू सुख सहूलत देंदे पे आई साड़िया पूरी हो गई बंदी सिखा की गल करते पे बंदी सिख पिछले महीने सेंटर सरकार ने मोदी साहब की गौरमेंट ने 8-9 बंदे रिहा किए मोदी साहब ने तो 8-9 रह गए वो भी उन्होंने कर देने मैं आस आते अं तो श्रोमणी अकाली दल 60 साल मेरे बाप न हो गए 20-25 साल मैनू हो गए सानू तो जो पार्टी प्रधान जो पार्टी हाईकमांड हुक्म लावेगी डट के देवांगे सेवा करें। इस वक्त हमारे साथ बॉबी अजनाला जी हैं जो शिरोमणि अकाली दल से कुछ दिनों पहले ही पार्टी छोड़ा था और आज बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थान पर ये ज्वाइनिंग हुई। अजनाला साहब सबसे पहले बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद जी। क्या वजह रही आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? आपका मैंने वो पत्र देखा जिसमें आपने बहुत सारी अपने इस्तीफे में बात कही है कि शिरोमणि अकाली दल में आप काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए क्या बीजेपी को आपने क्यों विकल्प के तौर? जिस सूबे मैं सेवा करने का मौका मिले साढ़े साढ़े परिवार को जो साढ़े सूबे पंजाब की हालत आ उत्थे कांग्रेस ने भी राजपा करके वेख लिया अकालिया ने भी राजपा करके वेख लिया अं बेच रहे उन्होंने सानू पता जो हुंदा रहा तो हुण आप ही उन्होंने राजपा कर लिया पंजाब नूं जे नशा मुक्त करवाउणा गुंडागर्दी तो बचाउणा आर्थिक स्थिति मजबूत करनी आ जिस सूबे दे उत्ते पंजाब दे उत्ते 3,05,000 करोड़ का कर्जा आवे तो वह कितों तरक्की कर लूगा जो घर ही डुबे आए करजे थले हो जे सो आप करजे माफ़ कराने गुं अपने नौजवान पीढ़ी नशियां तो रहत करवानी गुंडा गुंडे गुंडागर्दी बचानी आ लोगों के पंजाब के मन च यह घर कर गई आ कि जे यूपी च गुंडागर्दी लुटेरे लुटा खोहां करने वाले बंद हो सकते तो पंजाब सूबे क्यों नहीं हो सकता जे कर सकते तो सिर्फ बीजेपी श्री नरेंद्र भाई मोदी की अगवाई कर सकती है। क्या लगता है कि अकाली दल में आप क्या चाह रहे थे जो नहीं हुआ या विकल्प के तौर पे राजनीतिक तौर पे मजबूत आपको आज की तारीख में बीजेपी? श्रोमणी अकाली दल च परिवारवाद वंशवाद डिक्टेटरशिप दो तीन जाने तीन चार जाने फैसला करते हैं बाकी दे सब उन्हें रबड़ दिए पपट है एवं जो मर्जी कही जाने सिर्फ अपनी टिकटां नूं हुंदे आ पंजाब सूबे का बेड़ा कर करके रखता इन्होंने। हमने ये देखा था कि किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा पंजाब के किसान एजिटेटेड थे, सबसे ज्यादा गुस्से में थे, ऐसे में अब बीजेपी में आप शामिल हुए हैं, क्या किस तरह से कन्विंस करेंगे किसानों को कि वो बीजेपी की बात सुने? तुम देखो जिमीदार अगे करजे थले डुबिया तो करजा जे पंजाब मैं अगे कहना पा जे पंजाब सूबे की बांह सेंटर तो बगैर होर कोई फड़ नहीं सकता भावें कोई सूबे च सरकार आए। मैं बेनती करांगा पंजाब वासियों हर धर्म के हर मजहब संगत न कि तकड़े हो कि आप भाजपा की सरकार बनीए श्री नरेंद्र भाई मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाईए जिहड़ियां भी कमियां पेशियां आपां उन्हां नूं बेनतियां जे अं हुण बार अज विच शामिल बतौर एक सिपाही छोटा जिहा पार्टी का वर्कर सिपाही तौर पर मैं काम करना तो विच जावांगे माँ भी उहनूं कुछ दिंदी आ बच्चे नूं जे कोई रो के विखावे तो बाहर बैठे रोई जांदे आ नाल गेमां जे पंजाब च नरेगा चली है वह सेंटर की स्कीम है जे पेंडू खेत्र जी वेखीए पंजाब च जे कोरीडोर खोलिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खोलिया गुरु नानक पातशाह का साडा जे बाल दिवस मनाया गुरु तेग बहादुर का दिहाड़ा मनाया जे रोपवे हेमकुंड साहब नूं साडियां मावां भैं बजुर्गों ही बनता पाया वह भी नरेंद्र भाई मोदी की देन है जे साडे सड़कां दे मार्ग विछरे ने वह भी बीजेपी की सरकार की कृपा है तो दसो यदि जिथों जे सानूं सुख सहूलत देंदे पे आ ये भी साडियां पूरी हो गई बंदी सिखां की गल करते पे बंदी सिख पिछले महीने सेंटर सरकार ने मोदी साहब की गौरमेंट ने 8-9 बंदे रिहा किए मोदी साहब ने तो 8-9 रह गए वह भी उन्होंने कर देने मैं आस आ मेरे एक मन की विश्वास है कि साड़ी ये सुनी जाऊगी। आपको कोई जिम्मेदारी आने वाले वक्त में पंजाब में कोई बात हुई है कि आपको कोई जिम्मेदारी? अं तो श्रोमणी अकाली दल 60 साल मेरे बाप न हो गए 20-25 साल मैनू हो गए तो सानू तो जो पार्टी प्रधान जो पार्टी हाईकमांड हुक्म लावेगी डट के देवांगे दी सेवा करांगे।
धन्यवाद। तो साफ तौर से बॉबी अजनाला जिनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी बीजेपी की हाईकमान की तरफ से उनको दिया जाएगा वो डट के करेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बाबा सुल्तान जी गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर विच पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार देखो। देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप उत्ते भी कॉल कर सकते ने। घर बैठे 11 मिनटा विच 101 फीसदी गारंटी नाल समाधान। वशीकरण अते मुठ करनी दे माहर। सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी प्रमोशन कारोबार विच परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी विच अणबन जादू टूना मनमोहनी वशीकरण करवाना या तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नू मनाउणा प्यार मुहब्बत। बाबा सुल्तान जी 87913 81830।